किसी और तन की विस्मृति करनी होती है तो हमारा वो जागरण में क्या होगा? वो नाच तो रही हैं, मां मुरादे पूरी कर दे, वो सास दिख गई। तो ऐसे ही जो नाच था आधा नाच एकदम ऐसे, ये बुढ़िया पीछा नहीं छोड़ती, हर जगह चली जाती। भाई इसको कीर्ति भी याद है, तन भी याद है, संबंध भी याद है, कीर्तन कर रही है, इनका कीर्तन हो रहा है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 सास की निंदा गाने लगी, बहू की निंदा गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। जरूरी नहीं कि अनूप जलोटा की तरह ही गाया जाए। अभी मैंने कहा स्तुति राग सब तुम्हारे अपने हो, मौज में अपनी तरीके से पुकारो, नहीं मिलाने में आधा तुम्हारा बकरे जैसा सुर हो जाएगा, हो जाएगा। दिल से पुकारो, अर्थ अर्थ हृदय से पुकारने को ही आरती कहते हैं, दीपक जलाने को ही आरती नहीं कहते। हृदय जब अर्थ होकर अपने इष्ट को पुकारता है, अपने गुरु को पुकारता है, प्रेम को पुकारता है, तो उसे आरती कहते हैं। आरती अर्थ हृदय से की गई पुकार को ही आरती कहते हैं। तो कीर्ति और तन की विस्मृति हो जीवन में, और कीर्ति की चिंता है तो कलंक से फिर मत घबराना। कलंक मिलेगा, तुमने किया हो न किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो तुम्हारे विचार में भी कभी ना आया, तुम हतप्रभ हो जाओगे। पर दुखी मत हो, कुछ तो लोग बस इतना तुम्हारा जो अभिमान में अमिताभ बच्चन जय भादुड़ी जानती थी, तुम भी नहीं जानते इतना। ये वो लोग जानते तो तुम्हें तो जानना चाहिए। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहें, एक काम करना, अगला जन्म जब मेरा हो ना तो आपके दासों का दास मैं बन सकूं, बस इतना आशीर्वाद मुझे दे दो। असुर है ये, असुर है। अब हम सब मनुष्य हैं और सुर हैं, हम क्या मांगते हैं? 10 रुपया का माला हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के 2 करोड़ की ठेकेदारी, राम जी के यहाँ ले जाकर भगवान, एक तो विष्णु भगवान भी सोचते होंगे कि ऐसा ऐसा 10-20-50 लोगों को अगर मैंने दे दिया तो बैकुंठ ने नीलाम हो जाए महाराज। ये 2-2 रुपए का लाते हैं और 50-50 करोड़ मांगते, बताओ इनको। पर देखो एक असुर है, वृत्तासुर, और ये कह रहे हैं कि मेरे कर्मों की सजा मुझे ही मिलनी चाहिए, परंतु हे ठाकुर मेरा अगला जन्म भी तो होगा ना। बोला हाँ, तो एक ही काम करना नाथ, तुम्हारे दासों की दासता करने का अधिकार मुझे दे देना कि तुम्हारे दासों का दास बन सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। असुर। अब बताओ अगर ये नोबेल होती तो किसी विलन के बारे में इतना लिखती, असुर। पर असुर के जो सद्भाव हैं हमारा शास्त्र उसे भी लिख रहा है। क्या आप कर पाते हैं अपने शत्रुओं की प्रशंसा कर पाते हैं? जिसके लिए आपने परसेप्शन एक बार खराब कर लिया है उसके सद्गुणों को कभी आप देख पाते? नहीं देख पाते। 100% उनको दुश्मन बना लेते हैं, उनके विरुद्ध बोलते हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उनकी फटी धोती में उंगली लगा के फाड़ देते हैं पूरी धोती को दुर्योधनी वृत्ति से।
क्या ये वृत्ति हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए? सिंहिका की तरह ईर्ष्यालु बनकर हम छाया पकड़कर किसी को मारना चाहते हैं, उसकी छाया को पकड़कर, क्या ये उचित है? हमें यही सीखना चाहिए शास्त्र से कि शास्त्र इतना महान है कि जिसके जो गुण अवगुण हैं वो उसको एस्टेब्लिश कर देती है, और अंत में तो आपको पता ही है सत्यमेव जयते, धर्म की जय हो, धर्म की जय होती है। लेकिन छुपाएं क्यों? जिस दिन तुम्हारे भी भीतर में ये भाव आ जाए जिससे तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो, उसके भी सद्गुणों का प्रकाश तुम कर सको कि भाई इसमें ये सद्गुण है, मानना पड़ेगा। उसका क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं, रावण का तो कुछ हुआ नहीं, शास्त्र में खूब सुंदर लिख देने से रावण का कुछ बना नहीं, गया ही, कंस गया ही, दुर्योधन गया ही, दुष्ट तो जाएंगे ही, पर तुम मत चूक जाना, अधर्म के खिलाफ खड़े होने में भी मत चूकना। लेकिन शास्त्रों की तरह अगर किसी के भीतर सद्गुण हैं तो साधारण ईर्ष्या के कारण किसी के सद्गुणों को दबा मत देना, मिटा मत देना, छुपा मत देना। बेचारा शाम को पति घर में आवे तो मां के खिलाफ इतनी शिकायतें कर देती हैं कि पति भी धीरे धीरे लगता है कि मां है कि कई कई है मेरे लिए। या तो मां अगर तगड़ी निकल पड़ी तो घर आते ही तेरे को जन्म देके ही मुझे मिला, देख कैसी बहू लाया है, दोनों पड़ी रहती हैं एक दूसरे के पीछे एकदम ऐसे, ये बेचारा पेंडुलम बीच में ऐसे करती देखती, कमाल। और यहां भी तुम्हारे लिए बस एक ही बात है, रिस्पॉन्ड देम, डोंट बी रिएक्टिव, रिएक्ट मत करो। वहीं खूब दो चार बाल्टी आंसू बहा दे, हाय 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 तुम्हें तो बर्बाद हो गई, अरे अरे बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हो सके तो भगवान की तरह रो लिया करो। भगवान के ससुर का जब देहावसान हुआ सत्यभामा के पिता का, और लोगों ने कहा कि सत्यभामा तो लगता है कि बहुत रो रही है, ठाकुर जी अपने राजकाज में व्यस्त थे, आए उधर से तो खूब चर्चा, उद्धव वहाँ पर वो कर देना, उसको रुक्मिणी से वो बात कर लेना, वहाँ पर जरासंध के लिए भिजवा दो, वहाँ पर ऐसे सब करवा दो, सब अपने काम में लगे हुए हैं। जैसे ही बचा 10 मीटर वैसे पिताजी चले गए। और हमें भी लगो मारा नंद बाबा और अभी तो वसुदेव जी दोनों हैं, कौन चले गए? ठाकुर जी ने ऐसी रुदन प्रारंभ की, छाती पीट के लोगों ने सत्यभामा को कहा बाप तो गया पति भी जावे, वो जल्दी निकल। वो आके कह रही अरे अरे आत्मा न मरती है न कटती है, कोई बात नहीं, वो तो आप ही के ऊपर गोलोक में है, मत रोइए मत रोइए। बात उलट गया, सत्यभामा चुप करा रही है श्री कृष्ण को। उद्धव देख के घबराया, ये तो और चकरा गई, भगवान है कि नहीं, आधा शंका तो पहले ही से था, बताओ ससुर मरने पर कोई इतना रोता है? छाती पीट पीट के रोए। और जब सत्यभामा ने उठा के पानी वानी पिला के, अरे अरे आप आराम कीजिए, अरे इनको ले जाइए आराम करवाइए, उद्धव इत्यादि ले गए। जैसे ही ठाकुर जी मिले ऐसे करके, हाँ तो वो कैसे, उसका क्या है? उद्धव बोले क्या चल रहा है? बोला काम कर चलते रह, चल बढ़। अरे बोला अभी 2-4 घंटे लग जाते इसको चुप कराने में, देख मामला 10 मिनट में बन गए पूरा, वो भी चुप हम भी चुप, और वो भी प्रसन्न हो गए, चलो पति तो बच गया कम से कम। हमारा शास्त्र क्या नहीं सिखाता? ठाकुर जी से कुछ सीखना चाहो तब तो ठाकुर जी से लगे रायता पी गए वो सारा रा 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 रा, इससे जब फुर्सती नहीं तुमको, पंडाल में भी तो रायता पी गए हो, दहिया छीर गए हो, ये कर गए हो। महाराज बैठो जब भागवत पीठ के सामने तो हाथ जोड़कर कहो हे व्यास जी महाराज आज कुछ ऐसे सूत्रों को खोजिए जिन सूत्रों से कभी परिचय न हुआ हो, महाभारत के उन छंदों को आज निकाल दीजिए गुरुदेव, जिन छंदों को सुनकर दिल हृदय मन चित्त सब बाग बाग हो जाए, शुद्धि हो जाए, मलिनताएं मिट जाएं मन की।